आज हम बनाएंगे मेथी का हेयर मास्क। यहाँ मैंने मेथी को रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे एलोवेरा। इसके गुणों के बारे में कौन नहीं जानता। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। ये बालों का झड़ना रोककर उन्हें घना बनाता है। और इसके साथ ही मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये बालों को मजबूत करते हैं और इसकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं। और मैंने इसे एक मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। ये सारा मिक्सचर एक बाउल में निकालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी नींबू। ये बालों को न केवल झड़ने से बचाता है बल्कि बालों की सभी समस्याओं को भी दूर करता है और प्याज लहसुन से होने वाली स्मेल को भी काफ़ी हद तक कम करता है। अब मैं ये मास्क अपने बालों में अप्लाई करूंगी। इसके लिए मैंने पहले अपने बालों को टैंगल फ्री कर लिया है, क्योंकि जब भी हम कुछ अपने बालों में अप्लाई करें तो हमें अपने बालों को पहले कॉम जरूर कर लेना चाहिए। और अब मैं इस मास्क को अपने बालों में मांग करते हुए सारे स्कैल्प पर लगाऊंगी, मांग करती जाऊंगी और पूरे स्कैल्प पर और साथ में अपने बालों पर भी इसको मैं लगाऊंगी। मेथी का ये मास्क लगाने से हेयर फॉल, सफ़ेद बाल और रूसी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बालों में मांग करते हुए इस मास्क को लगाएं और अच्छी तरह पूरे स्कैल्प पर लगाएं। इसके साथ ही ये बालों की लेंथ पर भी लगाएं और एंड्स पर स्पेशली अप्लाई करें, ताकि दो मुहे बालों को जो हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं उन्हें ठीक किया जा सके। और इसके बाद जूड़ा बना लें और आधा घंटे इस मास्क को बालों में लगा रहने दें। इसके बाद बाल वॉश कर लें और इस मास्क को महीने में दो बार ज़रूर अप्लाई करें। आप पाएंगे कि बालों की सभी तरह की समस्याएं खत्म होकर बाल काले, घने और लंबे हो गए हैं। मास्क को अच्छी तरह बालों की लेंथ पर अप्लाई करने के बाद आप इसे जूड़ा बना लें और आधा घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें। उसके बाद बाल वॉश कर लें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। ये मास्क लगाने से हेयर फॉल, डैंड्रफ और सफ़ेद बाल जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बाल वॉश करने के बाद मैं छत पर आई हूं बालों को सुखाने के लिए और मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे देखने में सुंदर और सॉफ्ट। ये मास्क हमारे बालों की सभी तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके बालों को बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।